बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। मैं वहाँ पर दोस्त सैयद और दुआ आप लोग सब खैरियत से रहें। ये सामने मरीना टावर, और ये साथ है जी यॉट, काफ़ी ज़्यादा खड़ी है इधर। ये पूरा यॉट है, यॉट वहाँ से चलती भी है। उस साइड पे मुझे जाना पड़ेगा, वो पीछे उस साइड पे, तो वहाँ से यॉट जो है वो चलती है। तो फिलहाल ये तो पूरा यॉट का एरिया है अभी, और वो सामने है जी मरीना टावर, और ये है मरीना मॉल। साथ ही इधर यहाँ जिसका पार्क है बहुत बड़ा सा, ये सामने वही हाई राइज बिल्डिंग, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें आप पूरा व्यू ले सकते हैं सी का। ये जनाब पूरा है, उस साइड भी समंदर है, इस साइड भी समंदर है, और वो सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वाली बिल्डिंग वो एमिरेट्स पैलेस है। ये वॉक वगैरह कर सकते हैं आप इधर आके, क्या कह लें, ये मरीना वॉक के नाम से वैसे जाना जाता है, इसको मरीना वॉक कहते हैं। स्कूटिंग वगैरह कर सकते हैं, वैसे अंदर उस साइड पे अलाउ नहीं है स्कूटिंग करना, तो यहाँ पे आप स्कूटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। हायर पर साइकिल भी ले सकते हैं, ये साइकिल्स लगी हुई हैं हायर पर। और यहाँ पे आगे पार्क में आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। सामने फाउंटेन वगैरह भी लगे हैं। ये पूरी इसका यहाँ से लेके ये वहाँ तक है, वहाँ मैं उस साइड पे खड़ा हुआ था। ये पूरा समंदर है, इसको वैसे मरीना वॉक कहते हैं, ये मरीना वॉक के नाम से जाना जाता है। ये जो जितना भी एरिया है ये मरीना वॉक के नाम से जाना जाता है। इसमें वैसे यहाँ पर साइड में फाउंटेन वगैरह भी लगे हुए हैं, और एक बोट रखा हुआ है इन्होंने ओल्ड एज बोट का, एक फाउंटेन है साथ में। और वो सामने ये है मरीना टावर, ये इस साइड पर जो आपको होटल नज़र आ रहा है, ये जो टावर का नज़र आ रहा है बड़ा सा बोल सा, ये है मरीना मॉल और ये मरीना वॉक। ये है माउंटेन व्यू, स्कूटिंग वगैरह हो रही है, आप हाफ साइकिल भी ले सकते हैं हायर पे, वहाँ पर फुल साइकिल वगैरह अवेलेबल हैं। स्कूटी भी इवन हायर पे आप ले सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है कितने का है, पर आवर के हिसाब से है या इस तरह रेट। अगर आप उस साइड में रहेंगे तो उस साइड में जो है पूरा आपको समंदर है और साथ में मरीना वॉक है। ये है जी ओल्ड जो मॉडल था बोट्स वगैरह का, जैसे पुराने टाइम में बोट्स वगैरह होती थी, ये बोट्स वगैरह वैसी बोट्स हैं होती, वो लकड़ी ही थी, वुड की होती थी, यानी कि ये पूरे लकड़ी के स्टाइल है, पुराने टाइम में ऐसी बोट्स होती थी। और यहाँ पे जो है वो लकड़ी का ही चप्पू लगा होता था, जिससे जो है बोट्स जो हैं वो राइट और लेफ्ट में मुड़ती थी। और ये इसी तरह यहाँ पे भी जो है ये पूरा बीच है, वहाँ पे भी फाउंटेन लगे हुए हैं उस साइड पे, और ये पूरा बीच है जी यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ले पूरा मुझे भी नज़र आ रहा है उस साइड में, ये है मरीना वॉक का पूरा एरिया। और फिर इसी तरह इसे सी शोर के साथ साथ जो है जाती है वहाँ तक, और वो पूरी बीच तक जाती है। ये इन्होंने यहाँ पे साइड में राउंड शेप में कुछ बनाया हुआ है डेक टाइप, यहाँ पे आके आप आराम से खड़े हो सकते हैं और डीप सी का मज़ा ले सकते हैं। और वो सामने ही है पूरा अबू धाबी सिटी, ये नहीं वो हाटा वाला सामने, वो पीछे था हाटा वाला।
यहाँ पे लोग जेट स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मिलती हैं। गैस वहाँ से कह रहा था 5 बजे खुलेगा, मैं चलो आओ इधर आके बोटिंग करते हैं, फिर उधर जाते हैं समंदर में। और ये मरीना का पूरा एरिया साथ साथ से यहाँ पे इन्होंने बड़ा सा डेक बना दिया है। ये है जी बड़ा व्यू, ये हाई राइज बिल्डिंग्स, मरीना टावर भी आपके पीछे नज़र आ रहा है, मरीना मॉल नज़र आ रहा है, और ये पूरा एरिया। ऐसे ही आपको साइकिल भी रेंट पे मिलती है, जो फैमिली की साइकिल्स होती है, ये आप जो है रेंट पे लेके पूरी फैमिली आराम से इजीली बैठ सकती है, दो बच्चे भी, और आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं अच्छे भले यहाँ पे आके। ये आपकी एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इसमें आपकी आराम से एक्सरसाइज हो सकती है। वो है जी सामने मरीना टावर, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। फ़र्स्ट टाइम जाने लगा हूँ लुलु आइलैंड, टिकट लेने लगा हूँ, टिकट 25 दिरहम का है, तो टिकट लेते हैं यार फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। लाइन तो बहुत बड़ी लगी हुई है, देखते हैं जाके क्या होता है। सामने एमरेट पैलेस, ये है जी एमरेट्स पैलेस, एमरेट पैलेस होटल इस साइड पे है जी, मरीना टावर। ये स्पीड बोट्स निकल भी गई ऑलरेडी, स्पीड बोट, और वो जा रही है पैसेंजर्स को लेके, एक वो उधर से जा रही है, तो ये स्पीड बोट जो है ऑलरेडी डिपार्ट हो गई है यहाँ से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो में भी मुकम्मल करते हैं, और जाने से पहले आज की अच्छी बात, रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो, रिश्ता वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनेपन का एहसास दे,
अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का हम सबको ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।